कक्षा 10वीं के आए परीक्षा परिणामों में दुर्ग के यशवंत पारकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। और हम पारकर परिवार में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और संपूर्ण खुशियाँ मानो आज ही मनाई जा रही है। यहाँ पर संपूर्ण देख सकते हैं कि माता पिता के साथ साथ यशवंत के दादा दादी भी हैं, सब एक दूसरे का मुँह मीठा करवा रहे हैं। और मुँह मीठा करवाना भी लाजमी है क्योंकि प्रदेश में जो है यशवंत ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। यशवंत हमारे साथ में है, सीधे उसे बातचीत करेंगे। यशवंत, आज आपने एक बड़ा सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ जी। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, परिवार को और सर टीचर्स को देना चाहूँगा। आपने एक सफलता बड़ी हासिल की है, कैसा दे रहा ये सफर आज इस मुकाम पर पहुँचे? किस तरह की मेहनत की थी आपने? मैं डेली 2 घंटे पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, फिर शाम को और 2 घंटे पढ़ता था। आगे चल के क्या करना चाहते हैं? मैं आगे चल के MBBS करना चाहता हूँ जिससे कि गांव का सेवा कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए यशवंत हैं जो बता रहे थे कि आगे चल कर ये MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि वे समाज की सेवा कर सकें, गांव वालों की सेवा कर सकें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।